अदिति का रुख कर लेते हैं ज्योति, क्योंकि वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है और दिल्ली में बहुत कुछ अलग चल रहा होता है जो शायद जयपुर से दिखाई नहीं दे रहा होता। अदिति, क्योंकि खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, विश्लेषण तो चलता रहेगा, लेकिन ये बताइए इस जीत के बाद दिल्ली में किसकी किससे मीटिंग हो रही है, होने वाली है, किस तरीके की बैठकें होने वाली हैं और कुछ नामों को लेकर चर्चाएं क्या वहां शुरू हुई? देखिए, अभी दिल्ली में एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेशन है जो कि शाम 7 बजे आपको देखने को मिलेगा, वो है नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज रात के 9 बजे बाद अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन ये बात सही है कि जयपुर से दिल्ली तक फोन आ गए, रिपोर्टिंग हो गई, डेटा दे दिया गया कि कौन जीता कौन हारा, चाहे फिर वो राजेंद्र राठौड़ की सीट हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सीट हो, कि कितने मार्जिन से, यहाँ तक कि तमाम ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, सतीश पूनिया हुए, ऐसी बहुत सारी सीट पर हार जीत का ब्यौरा दिल्ली को दिया गया है। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आज रात के 9 बजे बाद होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो राज्य में हो रहा है। एक बड़े मंत्री हैं जिन्होंने, बड़े नेता हैं भाजपा के, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन उनका कद काफी बड़ा है, दूसरे राज्य में चुनाव लड़वाया भी है, ऐसे संकेत है कि वो फोन कर रहे हैं विधायकों से, उनको बधाई भी दे रहे हैं और मिलने की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वसुंधरा राजे, ओम माथुर, ओम बिरला, इसके अलावा आप देखें गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये तमाम वो लोग हैं जो अभी चुप हैं, बधाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इसकी जीत का श्रेय दे रहे हैं। अब असली जो बातचीत है, कौन बनेगा, कौन पर्यवेक्षक जाएगा, क्या बात करनी है, वो आज रात के 9 बजे बाद संभवतः एक गुप्त बैठक यहाँ पर हो सकती है या फोन पर बातचीत होगी। और संभवतः ये विधायक दल की बैठक, जैसे कांग्रेस की परसों है, वैसे ही परसों ही भाजपा की विधायक दल की बैठक होगी और 7 तारीख को शायद वो दिन चुना जाएगा जब सीएम शपथ लेंगे, क्योंकि आंकड़ों में कोई दिक्कत है नहीं, तमाम चीजें सब सेट है, लेकिन आला कमान को बस मंजूरी देनी है और हो सकता है उससे पहले एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हो। लेकिन आपका ये सवाल 9 बजे बाद ज्यादा रहेगा। ठीक है अदिति, हमारे साथ योगेश जी भी बने हुए, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। अदिति, सवाल यही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना आला कमान के हाथ में होता है, आला कमान के लिए जरूरी नहीं है कि वो विधायक हो या नहीं हो, बनाया जा सकता है, जैसे मनोहर खट्टर को बनाया गया था हरियाणा के अंदर, जब पहली बार वो सीएम बने। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपसे ये है, आरएसएस की पसंद क्या हो सकती है और उस पसंद को कितनी वरीयता मिलेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। एक तरफ है 2024, जो ये फैसला होगा, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश का लगभग सबको पता है, लेकिन उसके पीछे की भी आरएसएस ही वजह है, जो फैसला होगा योगेश जी आप समझ गए होंगे। दूसरा छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां दोनों ही जगह 2024 को मद्देनजर दिमाग में रखते हुए फैसले होंगे। एक तरफ ये माना जा रहा है कि सिर्फ 2024 तक रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को लाया जाए, 24 के चुनाव जीते जाएं, लेकिन अब जिस तरीके के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली वाला खेमा है वो इस बात से आश्वस्त है कि कोई रीजनल लीडरशिप की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, अर्थात कोई नई लीडरशिप निकल कर आएगी, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर वो राजस्थान हो। इसके विपरीत कांग्रेस में भी आपको आप ये देखेंगे, 2.5 साल से राहुल गांधी ये चाहते थे कि ना सचिन ना गहलोत, कोई नई लीडरशिप, और ये मैं आपको तथ्यों के साथ कह रही हूं, घंटा कहीं ना कहीं बहुत सारी तस्वीर